मुरादाबाद कटघर इलाके में 18 जुलाई की शाम सट्टे के कारोबार के वर्चस्व को लेकर देवराज की हत्या कर दी गई थी, जिसमें फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो फिरौती लेकर हत्या को अंजाम देता था। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके में दिन दहाड़े 18 जुलाई को देवराज नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के पीछे सट्टे के कारोबार में वर्चस्व को बताया गया था, जिसमें दो अभियुक्त पहले ही जेल जा चुके थे। एक अभियुक्त राकेश प्रजापति, जो शार्प शूटर बताया जा रहा था, वो फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित कर दिया था और उसकी तलाश की जा रही थी, जिसे कटघर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। पकड़ा गया बदमाश शार्प शूटर है और ये हत्या भी 3 लाख रुपए लेकर की गई थी। पकड़े गए बदमाश के पास से एक पिस्टल भी बरामद कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। ये दिनांक 18/7/17 को थाना कटघर क्षेत्र में राकेश प्रजापति ने अपने साथियों के साथ मिलकर, अपने साथी उसके मोहित चौधरी और मतेंद्र के साथ मिलकर देवराज की हत्या की थी। उसी संबंध में काफ़ी समय से अभियुक्त वांछित चल रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज इसको गिरफ्तार किया गया है, एक पिस्टल के साथ जो हत्या में प्रयुक्त की गई। जिसकी हत्या हुई थी वो भी एक अपराधी व्यक्ति था, उसका थाने पे काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हैं, लेकिन राकेश प्रजापति के खिलाफ भी 4 अभियोग पहले से ही हत्या व अटेम्प्ट टू मर्डर के पंजीकृत हैं और ये काफ़ी समय से फरार चल रहा था। और इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 का रिवार्ड घोषित किया गया था, जो SOG की टीम व थाना कटघर की पुलिस ने मिलकर इसको अरेस्ट किया है और एक इससे पिस्टल बरामद। सर, ये लोग जो पकड़े गए हैं, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? एक अदद पिस्टल बरामद हुई है 30 बोर की, जिससे इन्होंने हत्या की थी। इन्होंने 3 लाख रुपए लेके फिरौती देवराज की हत्या की। इन्होंने फिरौती दी थी, वो उनका भी कुछ पता चला किन्होंने फिरौती? उन सबके वो लोग सब अरेस्ट होकर जेल जा चुके हैं पहले ही। अब ये सिर्फ इकलौता राकेश प्रजापति ऐसा था जो बच रहा था और इस पर 15,000 का रिवार्ड घोषित था, जिसको आज गिरफ्तार कर दिया। सर, मकसद क्या था हत्या करने का? ये इनका सट्टे के कारोबार को लेके आपस में विवाद था और इसी में इनकी हत्या की थी और इसको गांगन शराब भट्टी से गिरफ्तार किया गया है।